रोल 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 है ना सर, विरार का एक लड़के ने इस तरह का अच्छा कदम उठा, आप क्या कहेंगे? विरार का एक नौजवान जो एक डांस एकेडमी यहाँ पर चलाने वाला, उसने एक बहुत बड़ा एम लेके, एक बड़ा सपना लेके एक मूवी प्लान किया है और उस मूवी का आज यहाँ पर बैनर का ओपनिंग, यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है और बहुत बड़ा एम यहाँ पर प्लान किया हुआ है और वो प्लान जो है खास करके एजुकेशन के बारे में है, जो अपने हिंदुस्तान की शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में ये मूवी प्लान की हुए है और मुझे बहुत बड़ी बहुत खुशी हो रही है कि ये सिर्फ मूवी करके नहीं, एक एज ए मूवमेंट करके, एक पॉजिटिवली मूवमेंट सोच के ये मूवी के बारे में प्लानिंग किया है और इस मूवी का बैनर आज मेरे यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र क्रिश और शकील और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर मैं देता हूँ और इस प्रोडक्शन के लिए, इस मूवी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओके, मैजिकल विंग्स के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा बिकॉज वो बेस्ड है एजुकेशन पे। सो व्हाट वी आर फोकसिंग इज राइट नाउ इज लाइक टैफेट एंटरटेनमेंट एंड बिग कर्टन्स टुगेदर इज टू प्रमोट एजुकेशन नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक वी नो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वी आर ट्राइंग एंड फ्रेमिंग एज मैनी थिंग्स जिससे एजुकेशन पे, एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा चेंज आए, जिससे और अच्छा हो जाए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे इतना ज़्यादा फेमस हो, इतना ज़्यादा अच्छा काम करें कि एक सोसाइटी को एक नया रूप मिल सके। I love this question because education is the base of everything. The moment you tap education, na crime hoga, na kuch problem hoga. Sir, aaj hai yahan pe, ye jante hain ki aaj ke time pe education kitna important hai. And I'm really grateful that sir has come here, Mr. Narendra Pawar ji, jo ki ek very strong personality hai. He knows that education is very much important aaj ke zamane pe. Aur आई एम ग्लैड कि हमारे जो मित्र हैं वो आज हमारे पार्टनर हैं बिग कर्टन्स मीडिया एंड ही इज़ बेसिकली शकील हाजमी फॉर एवरीवन। फॉर मी ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड बट उन्होंने जितना किया है आज के लिए, आज के टाइम पे बहुत कम है। सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। सो होप सो मैजिकल विंग्स क्लिक एग्जैक्टली लाइक एनी अदर एजुकेशन मूवी बट strongly worldwide. Thank you. देखिए बेसिकली जिस हिसाब से मैं फिल्मों के बीच में हूँ और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और मैं फिल्म क्रिटिक भी हूँ, बहुत सारी फिल्में आती हैं तो उनका राइट विज़न नहीं होता है। क्रिश के साथ मिलके मुझे एक लगा कि इनकी जो सोच है, जो थिंकिंग है इनकी, एक बहुत राइट वे में है और इन्होंने जो मैजिकल विंग्स और बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके बात कही वो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुई। तो बहुत टाइम से जो इन्होंने 2 साल से ये प्लान कर रहे थे कि हम फिल्म के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ लेके आएंगे, लेकिन वो हमेशा सीक्रेट था, वो कभी बताते नहीं थे कि क्या होने वाला है उसमें। हमेशा हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रहते थे, लेकिन फाइनली ये मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे और ये बेसिकली ये बच्चों के ऊपर होगी, एजुकेशन के ऊपर होगी और जो आज का माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी इसके ऑडिशंस करेंगे हम लोग ऑल इंडिया में और इस फिल्म को बना के बहुत ही जल्दी इसको नेक्स्ट ईयर में हम आई थिंक इसको रिलीज कर लेंगे। बहुत सिंपल है, फिल्म ऑनलाइन होगी, ऑडिशंस ऑनलाइन होंगे सारे, इसके प्रमोशंस होंगे, तो जो भी ऑनलाइन चीज़ें होंगी वो तो लोगों को पता चलेंगी और हमारा इंस्टीट्यूट है फिटनेस 7 करके, वो तो सारे उत्तराखंड और उत्तरांचल एंड समथिंग MP और मुंबई ये सब जगह एस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ वहाँ पर हमारे ऑडिशंस होंगे और उनकी जो एडवर्टीजमेंट होगी वो हम लोग एडवर्टीजमेंट देंगे, वो प्रॉपर जो है उसके ऑडिशंस करेंगे और जो टैलेंटेड लोग होंगे, जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, जो भी इसमें कैरेक्टर्स होंगे उसमें उन लोग सेलेक्ट करेंगे और उसमें उनको ट्रेनिंग करके फिर फिल्म को फाइनली करेंगे।
भी करेंगे? बेसिकली ये फिल्म तो थिएटर्स में रिलीज होगी और इसको बनाने से लेकर रिलीज तक के हमारे साथ क्रिश रहेंगे और सारी चीज़ों में हम साथ में ही रहेंगे, साथ में ही चलेंगे। सर कितना समय लगेगा? देखिए एक फिल्म को बनाने और रिलीज करने में 8 से 9 महीने और 1 साल तक के लग सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उतना टाइम मान के चलते हैं कि 8 से 9 महीने के बीच में हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे। सर जो दर्शक उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म में क्या होगा, उनके लिए क्या होगा? बेसिकली इसमें राइट एजुकेशन होगा, उनके लिए एक मैसेज होगा, एंटरटेनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के एंटरटेनमेंट होगा और एक नई तरीके की स्क्रिप्ट है ये, एक जिस हिसाब से कहानी है वो कहानी बहुत यूनिक है, तो हम लोग उसके ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो उस कहानी के ऊपर फोकस हमने किया है। दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए इस फिल्म के लिए, हमारे साथ जुड़िए और जैसे जैसे होगा फिर उस फिल्म के लिए हमें शुभकामनाएं दीजिए, आपका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। बेटा आपका नाम क्या है? शिबा। शिबा, आपका इस फिल्म में क्या करेक्टर है? आप इस फिल्म क्या रोल आप फिल्म में क्या करने वाले हो? पापा को खाने देंगे। कैसे देने वाले हो? जोर से बोलो, जोर से। क्या करने वाले? पापा काम करते हैं तो मैं उन्हें खाना देने जाती हूँ। और फिर